हाँ जी बेटा, हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे थे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक हो गया? तो बेटा आज कंप्लीट कर दें चैप्टर, है ना? तो नेक्स्ट है बेटा, इस चैप्टर में क्लोरोफिल वैल्यू रहेगा हमारा, फिजियोलॉजिकल वैल्यू है एंड डिसऑर्डर, ठीक है? चलो आज बेटा कंप्लीट करते हैं, टुडे वी हैव स्मॉल लेक्चर, है ना? तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले है बेटा क्लोरोफिल वैल्यू। क्लोरोफिल वैल्यू क्या है? इट इज दी, केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, यस। इट इज दी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यस, अमाउंट ऑफ, यस, हीट एनर्जी लिबरेटेड, यस, लिबरेटेड ऑन कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन दी कैलोरीमीटर, पता है कि नहीं? इन दी, यस, इन दी कैलोरीमीटर, समझा नहीं आ रही बेटा? तो दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल वैल्यू। अगर हम 1 ग्राम फूड ले लें बेटा, है ना, उसको बर्न करें इन दी कैलोरीमीटर, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल वैल्यू। समझा नहीं आ रही? जैसे लर्न करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की है बेटा, यस, कार्बोहाइड्रेट्स की है बेटा ये 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4.1। प्रोटीन के लिए बेटा, यस, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट के लिए बेटा, यस, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। समझाइए, डाटा याद रखना, एनसीईआरटी का डाटा बेटा याद रखना, ठीक है ना? हमने पढ़ना वही है जो सिलेबस में, जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझा रही है? नहीं आ रही? पता ही लग गया होगा कि नहीं, कंटेंट इतना ज्यादा नहीं करना, पहले ही बहुत ज्यादा। समझा रही है? नहीं है? चलो, क्लोरोफिल वैल्यू पता लगी, वे 1 ग्राम फूड को बर्न करते हैं क्लोरीमीटर में, जितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल वैल्यू। वैल्यू याद करनी है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या है, सुनना ध्यान से। इट इज दी, यस, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, समझा ना, लिबरेटेड ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में बेटा 1 ग्राम फूड जब बर्न होता है तो कितनी हीट रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट है। ये तो क्लोरीमीटर में, ये तो क्लोरीमीटर में है, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन क्लोरोफिल वैल्यू। जैसे, यस, याद रखना बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी है, सुनना ध्यान से, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक होगा, यूनिट बन गया नहीं, पर ग्राम। प्रोटीन क्या बेटा, प्रोटीन की वैल्यू है अगेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। सुंदर ही नहीं है नी? पता लग रहा नहीं, क्या लग रहा? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, है ना? उसमें बताया होगा भी, एक पर्सन है, उसने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा लिए, 15 ग्राम फैट खा ली, 10 ग्राम 5 ग्राम क्या खा लिए, प्रोटीन खा लिए, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड कितनी होगी, तो कैलकुलेट कर लेंगे। समझा रही नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा, जस्ट याद रखनी है। ये भी याद रखना है, वी फिजियोलॉजिकल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन कैलोरीफिक वैल्यू। समझाइए बेटा, कहीं आई, इजी होगा। चलो नेक्स्ट बेटा डिसऑर्डर्स, क्या बेटा डिसऑर्डर, बहुत इजी, एनसीईआरटी के बेटा सारे, सुनना ध्यान से। जॉन्डिस, इन जॉन्डिस क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है, मेन ऑर्गन अफेक्टेड, दैट इज अ लीवर। इसमें क्या होता है बेटा, आईज और स्किन येलो हो जाती है, क्या होता है बेटा, और क्या होता है इसमें, आई एंड स्किन क्या हो जाती है, येलो हो जाती है, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। ये तो होगा जॉन्डिस। वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, है ना? वॉमिटिंग में क्या होता है, देयर इज इजेक्शन ऑफ
स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ दैट इज वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सेंटर होता है बेटा मेडुला में, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट, यस इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोल देते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सेंटर कहां पे, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, ये याद रखना। वॉमिटिंग सेंटर, वॉमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, यस मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। डायरिया बहुत इजी है, डायरिया तो पता कि नहीं, एंड डायरिया देयर इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन फीकल डिस्चार्ज। डायरिया में क्या होता है बेटा, फीकल मैटर वॉटरी हो जाता है समझा, ड्यू टू इन्फेक्शन। वो बैक्टीरिया की भी हो सकती है बेटा, वायरस की भी हो सकती है ना, प्रोटोजोन्स की भी हो सकती है, दैट इज डायरिया। डायरिया को कोई ये नहीं अभी एक कॉजेटिव एजेंट है, कोई बैक्टीरिया ही है, कोई वायरल है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। डायरिया कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक होगा कि नहीं। डायरिया पता लग गया, वॉटरी डिस्चार्ज। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है बेटा, इन कॉन्स्टिपेशन फिकल मैटर है जो दैट इज रिटेन्ड इन द कॉलन ड्यू टू इररेगुलर बाउल मूवमेंट, समझा रहे कि नहीं। कॉन्स्टिपेशन में बेटा पेरिस्टाल्सिस प्रॉपर नहीं होती, जो फिकल मैटर है वो कॉलन में ही रह जाता है ड्यू टू इररेगुलर बाउल मूवमेंट्स, समझा रहे कि नहीं। दैट इज कॉन्स्टिपेशन, पता लगा, कहते हैं कि नहीं कॉन्स्टिपेशन होगी। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी, क्योंकि प्रॉपर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स नहीं है, तो फिकल मैटर कहाँ रह जाएगा, कॉलन में ही रह जाएगा, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, समझाइए बेटा। नहीं है नेक्स्ट है बेटा इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन बहुत ईजी है, व्हेन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, दैट इज इनडाइजेशन। तो लग रहा नहीं, तो लग रहा बेटा, जब फूड प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं, इनडाइजेशन बोल देते हैं। तो लग रहा नहीं, तो लग रहा बेटा, यस। मोर इम्पॉर्टेंट हेयर इज क्वाशियोरकर एंड मरासमस। डिसऑर्डर कौन सा बेटा, क्वाशियोरकर एंड मरासमस, सुनना ध्यान से। क्वाशियोरकर इज, यस क्वाशियोरकर में क्या होता है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, सुनना ध्यान से, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, तो याद रखने वाली बात है। इट अकर्स, इट इज फाउंड इन द चिल्ड्रंस ऑफ 1 to 5 ईयर एज ग्रुप, 5 ईयर एज ग्रुप, इट इज फाउंड इन चिल्ड्रंस ऑफ 1 to 5 ईयर, 1 से 5 साल के बच्चे होता है बेटा क्वाशियोरकर। प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन है, डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो क्या हो जाएगा क्वाशियोरकर। प्रोमिनेंट सिम्टम, सिम्टम तो बहुत है जो मोस्ट कॉमनली पूछते हैं बेटा एग्जाम में, इसमें क्या होता है, देयर इज स्वेलिंग, स्वेलिंग इन लेग्स, क्या हो जाता है बेटा, लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, यस ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, याद रखना। दिस इज कॉल्ड ऑयडीमा, इसको क्या बोलते हैं, ऑयडीमा। क्वाशियोरकर में क्या हो जाता है बेटा, बच्चों की लेग्स स्वेल कर जाती है, लेग्स क्यों स्वेल करती, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, है ना, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, ऑयडीमा बोल देते हैं, समझा रहे नहीं यार। ये मरासमस में नहीं होता, मरासमस इज मोर सीवियर माल न्यूट्रिशन, है ना, इट इज ड्यू टू, यस माल, मरासमस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज, समझा दी कि नहीं। इसमें प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी है, कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी है इन दी डाइट, इन दी डाइट, समझा दी कि नहीं। इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स, इट इज फाउंड इन इन्फेंट्स ऑफ बिलो वन ईयर एज, समझा रही है कि नहीं यारी। मरासमस में ऑयडीमा नहीं होता, देयर इज नो ऑयडीमा, लग रहा नहीं, लग रहा बेटा, इजी हो गया। तो ये है बेटा हमारा चैप्टर, दैट इज डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन। इसमें बेटा विटामिन्स है, क्या है लास्ट है, विटामिन्स, वो आपने याद कर लेना, ठीक है, इजी हो गया, वो तो याद ही कर लें, है ना, विटामिन्स आप याद कर लेना, ठीक हो गया। तो दिस इज आवर चैप्टर डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन, ठीक हो गया बेटा। अब इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, देखो मैं थोड़ा रिवाइज करूँ। डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ी बेटा, एलिमेंट्री क्लास, हमने माउथ से स्टार्ट किए, हम बकल कैविटी में, फैरिंज में, इसोफेगस में गए, स्टमक पढ़ा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है ना,
सारा एलिमेंट्री ग्लैंड पढ़ ली, फिर हमने पढ़े डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड्स है ना, फिर पढ़े गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियास है ना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स पढ़ ले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उसके बाद फिर जब ग्लैंड्स खत्म हुए फिर हमने पढ़ी बेटा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, भी फूड कैसे डाइजेस्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन पढ़ी बेटा, प्रोटीन्स की डाइजेशन पढ़ी, फैट की डाइजेशन पढ़ी, न्यूक्लिक एसिड कैसे डाइजेस्ट होते हैं वो सारा पढ़ लिया है ना। डाइजेशन के बाद पढ़ी बेटा अब्जॉर्प्शन, हाउ डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड है ना। अब्जॉर्प्शन के बाद पढ़ी बेटा असिमिलेशन, फूड कैसे असिमिलेट होता जाके, जो बच गया एलिमेंट्री कैनाल में अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट उसकी इजेशन कैसे होती है वो पढ़ लिया हमने। समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग रहा है। लास्ट में क्या है फिर बेटा, यस लास्ट में क्या है, डिसऑर्डर है बेटा, डिसऑर्डर से मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में जो रिलीज हो रही है कैलोरीफिक वैल्यू, ह्यूमन बॉडी में जो एक्चुअल हीट रिलीज हो रही है दैट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू, वैल्यू याद रखनी। समझा दे कि नहीं यार, ये जो होगा फिजियोलॉजिकल वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इज ऑलवेज लेस देन द कैलोरीफिक वैल्यू। समझा रही है नहीं यार बेटा। उसके बाद डिसऑर्डर, जॉन्टिस में क्या होता है, लीवर इफेक्ट हो जाता है, आईज एंड स्किन येलो हो जाती है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। वॉमिटिंग में क्या होता है, देयर इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ। वॉमिटिंग इज यूजली कंट्रोल्ड बाय मेडुला, मेडुला ब्लॉक है ना। डायरिया में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड लिक्विडिटी इन फेकल डिस्चार्ज है ना। डायरिया में भी ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन और हेलमिंग्स इन्फेक्शन है ना, कोई कोई ऐसा नहीं है, वी यही कॉजेटिव एजेंट है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, देयर इज क्या होता है, इसमें फिकल मैटर रिटेन रह जाता है कॉलन में ड्यू टू इररेगुलर बाउल मूवमेंट्स, प्रॉपर पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, दैट इज कॉन्स्टिपेशन है ना। इसी होगा इनडाइजेशन, प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, दैट इज इनडाइजेशन। क्वाशियोरकर, दीज टू डिसऑर्डर्स आर इंपॉर्टेंट। मालन्यूट्रिशन है, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन है, क्वाशियोरकर में प्रोटीन की मालन्यूट्रिशन है, मरास्मस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की मालन्यूट्रिशन है। समझा ली, क्वाशियोरकर बेटा 1 to 5 ईयर एज ग्रुप में, मरास्मस यूजली फाउंड इन इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर एज। ठीक होगा, क्वाशियोरकर के सिम्टम्स तो बहुत है, मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम क्या होता है क्वाशियोरकर में बेटा, लेग्समेस स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू रिटेंशन ऑफ वाटर, वाटर रिटेन रह जाता है ना, उससे लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एडिमा, मरास्मस में नहीं होता है। ठीक है, तो कर लोगे बेटा, यही हमारा चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा बेटा नेक्स्ट, ठीक है, वो आपने सॉल्व करनी है, कोई डाउट हुआ तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आज तो वी हैव स्मॉल लेक्चर, चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। समझा रही, यही चैप्टर लेंथी है बेटा, इसके बाद वाला चैप्टर ज़्यादा लेंथी नहीं है ना, हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, चलो ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू।